हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी ऑफ क्लास 6 फिजिक्स. सो एवरीवन ओपन पेज नंबर 60 फॉर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी. सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. एवरीवन ओपन पेज नंबर 60 हियर. फर्स्ट हेडिंग इज अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज ए स्टोर्ड एनर्जी एंड एनर्जी इन एक्शन. स्टोर्ड एनर्जी इज फर्दर क्लासिफाइड एज ए केमिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. वॉट इज केमिकल एनर्जी? केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन मैटर एंड गेट्स रिलीज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन प्रोसेस. फ्यूल्स सच एज कोल, पोटेंशियल एक्सेट्रा वेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिलीज एनर्जी ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन. दिस एनर्जी कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पज. To produce heat or convert water to steam or run a turbine to energize a vehicle's engine, to run different type of machinery, etc. An inverter, battery or cell stored energy due to the chemical. When an inverter gets charged from the mains, the electric energy get stored is in the form of chemical energy. When the inverter is getting discharged, the chemical energy get converted back to the electrical energy. This chemical energy is available to us in the form of the electrical energy when required. अब इन्होंने बोला है कि अदर फॉर्म एनर्जी क्या है. पहली तो स्टोर्ड एनर्जी है एंड दूसरी एनर्जी इन एक्शन है. स्टोर्ड एनर्जी क्या है? वो सारी एनर्जी जो बॉडी में किसी वर्क की वजह से स्टोर रहती है, जैसे मस्कुलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. तो पहले यहाँ पे इन्होंने क्लासिफाई किया है, डिफाइन किया है व्हाट इज केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी क्या होती है? वो सारी एनर्जी जो किसी बॉडी के मैटर में पहले से मौजूद होती है, अब वो केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है. अब वो केमिकल रिएक्शन कब होंगे? ये भी हो सकता है कि जब हम उसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करें तो वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही हो. जैसे कि इन्होंने बताया, कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, ये फ्यूल हो गए, ये सारे फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है या एनर्जी जनरेट हो रही होती है, जिसकी वजह से गाड़ी चलती है, इंजन चलते हैं, बाकी चीज़ें चलाई जा रही होती है. तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है. सच टाइप ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. वहाँ पे केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से कोई ना कोई वर्क डन वहाँ पर हो रहा होता है. जैसे कि हम लोगों के घरों में बैटरी होती है इन्वर्टर की, उसमें क्या होता है? केमिकल होता है. जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके उस केमिकल को पावर दिया जाता है तो केमिकल सेपरेट हो जाते हैं ऑन देयर ओन चार्जेस, अपने चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव में वो सेपरेट होकर अलग अलग इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाते हैं. जब लाइट चली जाती है फिर से वो केमिकल रिएक्शन होता है, वो कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होने की वजह से वहाँ पे कॉम्बिनेशन की वजह से रिएक्शन होता है, और रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. जब वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के लाइट बल्ब फैन जो भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं इन्वर्टर से उसमें सप्लाई हो रही होती हैं. मैग्नेटिक एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेट. मैग्नेट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट्स. मैग्नेटिक एनर्जी कैन बी यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, एल्यूमिनियम एंड कॉपर एक्सेट्रा. अब मैग्नेट के पास भी एक कैरेक्टर ये होता है कि मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है. तो मैग्नेट अट्रैक्ट करने का मतलब आपने तो देखा होगा, अगर हम मैग्नेट के पोल को लाइक पोल में कन्वर्ट कर दें, मीन्स नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ ले जाएं या साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाएं, तो वो रिपल करेंगे एंड जस्ट अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को उन सब्सटेंस से अलग करना जो कि नॉन मैग्नेटिक है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं. जैसे कि एल्यूमिनियम और कॉपर में मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट होगा. आपका गोल्ड है घर में, आपके बर्तन होंगे, ज्वेलरी होंगे, तो वो सब चीज़ें जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं, बट आयरन पीस होगी तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे. तो मैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ यहाँ किया जाता है, या भारी सामान को उठाने के लिए भी मैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ किया जाता है. मस्कुलर एनर्जी. मस्कुलर एनर्जी रिफर टू द कैपेसिटी टू वर्क बाय द मेकिंग यूज ऑफ आवर मसल्स. ह्यूमंस एंड एनिमल्स पजेस मस्कुलर एनर्जी. द फूड वी ईट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. अब मस्कुलर एनर्जी, जाहिर सी बात जिनके में मसल्स होंगी वो एनर्जी जो प्रोवाइड करेगी एनर्जी वो मस्कुलर एनर्जी कहलाएगी. ह्यूमन या एनिमल्स के पास जो एनर्जी होती है जब हम कोई खाना खाते हैं या टेकिंग एनी फूड एनी एनर्जी, देन दे गिव अस
मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइडर्स मस्कुलर एनर्जी और हम कोई वर्क करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी दैट द मस्कुलर ऑफ एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन रिलीज व्हेन इट स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। इवन व्हेन न्यूक्लियर ऑफ टू स्मॉल एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज एटम वी गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फिजन रिफर टू द ब्रेकिंग ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इंटू टू आर मोर स्मॉलर न्यूक्लियर एंड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एकम्पेंड बाई रिलीज ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन रिफर टू बी द कम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉल न्यूक्लियर टू फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियस एकम्पेंड बाई ए रिलीज ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी इज गेनिंग इम्पॉर्टेंस एज इट इज़ नॉट ए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस इज यूज टू मेडिसिन एंड इन रिसर्च। लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर कमर्शियल पर्पज टू। अब इन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब हो गया कि वो एनर्जी जो न्यूक्लियर के कॉम्बिनेशन और न्यूक्लियर के सेपरेशन से प्रोड्यूस हो रही हो, मीन्स दो न्यूक्लियर मिलके एक नया न्यूक्लियर बना लेते हो या एक न्यूक्लियर ब्रेक होकर दो अलग अलग न्यूक्लियर या दो से ज़्यादा न्यूक्लियर बनाते हैं, इस दोनों कंडीशन में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, न्यूक्लियर फिजन का मतलब हो गया ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू टू आर मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजन मीन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियर का दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में टूट जाना, ब्रेक हो जाना। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉल न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब हो गया कि दो मॉलिक्यूल्स के दो न्यूक्लियस का आपस में मिलकर एक नया बड़ा न्यूक्लियस बना लेना। न्यूक्लियर फिजन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लीजिएगा। न्यूक्लियर फिजन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फिजन मीन्स कम्बिनेशन ऑफ फिजन्स। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर्स जो हैं वो आपके ब्रेक होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, न्यूक्लियर्स जो हैं वो आपके आपस में कंबाइंड होंगे और दोनों ही कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है। सारी एनर्जी का यूज़ आपने देखा होगा पावर प्लांट वगैरह जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में, या केमिकल रिएक्शन या मेडिसिन में भी होता है। एनर्जी इन और नौ पेज नंबर 61, एनर्जी इन एक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड एज लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। और भी बहुत सी तरीके की एनर्जी होती है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। वो सब एनर्जी क्या क्या होती है? लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सेंसेशन ऑफ साइट एंड अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट विच प्रिपेयर द फूड। द प्रोसेस ऑफ This process is called the photosynthesis. When light which is reflect from the object reaches our eye, we see the object. When light energy is incident on metal target, they emit electrons by the process that is called the photoelectric effect. Light energy can be converted to electrical energy by using the solar cell photovoltaic cell. अब इन्होंने कहा है, एक एग्जांपल दिया लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट में क्या होता है, जिसके प्रेजेंस में हम कोई चीज़ दिखाई देती है, हमें कोई चीज़ दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, लाइट एनर्जी कहलाती है। सन से लाइट एनर्जी आ रही है, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और वो लाइट एंड हीट दोनों अर्थ पे आ रही होती, तो उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि प्लांट उस लाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बनाते हैं, मतलब वो अपने लिए खाना बना रहे होते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। ये शायद आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी हो, फोटोसिंथेसिस मींस मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अच्छा, कुछ लाइट का यूज इंडस्ट्रियल यूज में सोलर पैनल में किया जाता है, लाइट एब्जॉर्ब करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, या लाइट का यूज़ करके फोटो इलेक्ट्रिक किसी मेटल पे जब लाइट स्ट्राइक होती है तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस बाई डिफरेंट मीन्स, बाई बर्निंग फ्यूल्स, बाई पासिंग करेंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सेट्रा। हीट एनर्जी इज यूज टू कुक फूड, बॉयल वाटर, कीप अस वार्म इन विंटर। इन थर्मल पावर प्लांट कोल और लाइट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच इज फर्दर यूज फॉर द कमर्शियल पर्पज।
अब हीट एनर्जी का मतलब हो गया, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मीन, किसी भी चीज़ को जलाने पर, बर्न करने पर, या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को सप्लाई करने पर भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी यूज़ कहाँ कहाँ होती है? फॉर कुकिंग फूड, बॉयल वाटर, कीप अस वार्म इन विंटर, इन थर्मल पावर प्लांट, कोल्स एंड लाइट्स इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। ये सारी चीज़ें बर्न होने पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, विच इज़ फर्दर यूज फॉर कमर्शियल पर्पज, जो कि हम अलग अलग कमर्शियल यूज़ में भी करते हैं और डोमेस्टिक यूज़ में भी हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इससे घर में खाना पकता है, तो खाना किस एनर्जी से पकता है? वो फ्यूल जो होता है वो बर्न होकर हीट प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर हीट एनर्जी का यूज़ हो रहा होता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होता है? प्रेस को गर्म करके, आप लोग आयरन करते होंगे क्लोथ पे, प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, सिंस वाइब्रेटिंग आर मूविंग बॉडीज पजेस काइनेटिक एनर्जी। साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेन साउंड रीचेज आवर ईयर, इट सेट द मेम्ब्रेन इन आवर आईज इन टू वाइब्रेशन, सो वी हियर द साउंड। लाउड ऑफ द साउंड मोर एनर्जी इज पजेस्ड वेन वी एबल टू स्पीक ड्यू टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इज आवर वोकल कॉर्ड। साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब साउंड का कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट का मतलब हो गया एक तरीके से, इस तरीके से मोशन हो, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है मीडियम के पार्टिकल के लिए, और जब वो एनर्जी ट्रेवल करते करते हमारे एयर ड्रम पर, एयर पे आती है, तो हम उसको सेंसेशन फील होता है, हम उसको फील करते हैं, हमें कोई भी आवाज़ सुनाई देती है। वाइब्रेशन जितना ज़्यादा होगा, साउंड लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। नाउ ओपन पेज नंबर 62, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सटेंसिवली यूज इन होम एंड ऑफिस डिवाइसेज लाइक ट्यूबलाइट, फैन, गीजर, टोस्टर, हीटिंग अप्लायंस मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डू वर्क। द एनर्जी पजेस्ड बाई मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज डैम फॉर कमर्शियल पर्पस। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, या जो एबिलिटी टू डू वर्क होता है, वो एनर्जी आपकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगी। आपके घरों में भी बहुत से सामान ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे होंगे, जैसे फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, गीजर, टोस्टर है, ये सारे अप्लायंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक पे वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें कौन से करंट सप्लाई होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक कैसे प्रोड्यूस होती है? वो टर्बाइन से प्रोड्यूस की जाती है, डैम से, बहुत बड़े कमर्शियल यूज़ के लिए अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई करनी होती है तो वो डैम से, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। द एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। इट इज comprises of both light and heat energy. The heat from the sun causes water from the surface of water bodies like ocean, river, lakes to evaporate from cloud and recycle back to the earth in the form of rain. Wind blow due to the uneven heating of the air molecules in the atmosphere. The light energy from the sun enable us to see. Potential energy is a form of stored energy, while kinetic energy is an energy in action. अब इन्होंने कहा सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब उसके पास अपार भंडार है एनर्जी का। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, दोनों तरीके की एनर्जी सन के पास होती है। तो जो सन की लाइट और हीट एनर्जी आती है, तो जो सी वाटर, रिवर वाटर, ओशियन, लेक, जितने भी वाटर होते हैं, वो उसमें एवोपोरेशन की प्रोसेस होती है। एवोपोरेशन मीन्स वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो क्लाउड बनता है, क्लाउड बन के वो क्लाइमेट में जाता है, फिर सुटेबल कंडीशन होने पर फिर रेन के फॉर्म में वो वापस ज़मीन पर आ जाता है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है जो कि सोलर एनर्जी की वजह से होती है, और बहुत सी जो हवाएं चल रही होती हैं वो भी सोलर एनर्जी की वजह से होती है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उनमें मोशन अलग अलग होता है, मोशन अलग होने की वजह से उनमें विंड फ्लो होती है। नाउ पेज नंबर 63, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था, कि कौन कौन से तरीके की एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे होता है, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे बदलती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, वी विल डिस्कस इन डिटेल।
law of conservation of energy state energy can neither be created nor destroyed, it can be transformed from one form to another form. मीन्स लॉ ऑफ ट्रांसफर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है कि एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है. हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इन ए स्विमिंग पेंडुलम द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. As the pendulum moves from extreme position to the mean position, its potential energy decreases, whereas the kinetic energy increases. जैसे कि कोई पेंडुलम है इस तरीके का मूव कर रहा है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी वो कांस्टेंट होगी. वो सारी एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी, कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाएगी. सिर्फ वहाँ पे फॉर्म चेंज होगा और एनर्जी का चेंज नहीं आएगा अगर से वहाँ पर कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम इन मोटर कार. मोटर कार में एनर्जी कहाँ से आती है कि वो रन करती है? फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड आफ्टर बीइंग बर्निंग इन द अर्थ. वेयर इनिशियल प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्ड ऑन अर्थ मेनी मिलियंस ईयर अगो. फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम स्टोर्ड केमिकल एनर्जी. बर्निंग और कंबस्शन ऑफ पेट्रोल इन ए कार कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी. दिस हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी टू मेक ए कार मूव. अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? हजारों लाखों साल पहले जमीन के नीचे अर्थ के नीचे जो भी चीज़ें दब गई हैं, वो प्लांट या एनिमल जो भी हैं, उनके सड़ने की वजह से, स्पेशल प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से, वो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड नेचुरल गैस के फॉर्म में. फिर उसी को जब ज़मीन से निकाल के प्योरीफाई किया जाता है तो वो पेट्रोल क्या करता है, केमिकल एनर्जी से जब इंजन में बर्न होता है तो वो केमिकल एनर्जी से हीट प्रोड्यूस होती है. हीट से बाकी इंजन का वर्क होता है, पिस्टन वगैरह मोशन होता है और कार चलती है या बाइक चलती है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जब सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की जाती है तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. सो इट चेंज इलेक्ट्रिकल बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. अ सेल और बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आपके मोबाइल की जो बैटरी है, आपके टॉर्च का जो सेल होगा, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल हीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एंड लाइट एनर्जी. इलेक्ट्रिकल हीटर से भी इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में. टेबल फैन में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है. लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है साउंड एनर्जी में. माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ये दो चीज़ ध्यान दीजिएगा. लाउड स्पीकर का मतलब हो गया जिससे आवाज़ निकल रही होती है, और माइक्रोफोन का मतलब हो गया जिससे आवाज़ इंटर कर रही होती है. तो माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और लाउड स्पीकर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी. सोलर सेल चेंज लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बर्निंग वुड कोल कैंडल चेंज केमिकल टू हीट एनर्जी. बायोगैस चेंज केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी. एंड कुकिंग गैस ऑल्सो चेंज केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी. सम एग्जाम्पल, वाटर इज स्टोर्ड एट ए हाइट ऑन साइड ऑफ द डैम पजेस पोटेंशियल एनर्जी. वेन इट फ्लो डाउन द पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वेट टू द काइनेटिक एनर्जी. जो डैम में वाटर बहुत हाई लेवल पे स्टोर किया जाता है, जब वो नीचे आता है तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में. दिस वाटर हिट द टर्बाइन ब्लेड्स एंड विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये वाटर जब टर्बाइन प्लेट को हिट करते हैं तो टर्बाइन प्लेट नाचने लगती है, मोशन में आती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज इन ऑल हाउसेस फॉर द हीटिंग, लाइटिंग एंड अदर एप्लीकेशन. और ये सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, अदर यूज के लिए, अदर चीज़ों में यूज की जाती है. ये तो सिंपल टॉपिक है, सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ पेज नंबर 64. एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बट ऑल सच सोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द सन हीट ऑफ लाइट. ये सारे सोर्स से हमको एनर्जी मिलती है, बट ये सोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन की एनर्जी पर डिपेंड करते हैं.
conventional source of energy. Plants are important source of energy to human beings and animals. Plants store energy in the form of chemical energy. Wood and charcoal are both source of energy. The chemical energy stored in the gets converted to the heat and light when wood of charcoal is burned. ये सारी energy तभी change होती है जबकि इनको burn किया जाता है. Coal and petroleum are also source of energy. Solar energy is stored in the form of chemical energy in them. The above source of energy are getting depleted because of their rampant uses. It would be wise therefore to be use of some unconventional alternative source of energy. ये सारी energy जो है एक limited source of energy है, so अलग अगर हम ऐसे ही use करते रहे तो एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगी. तो कुछ ऐसी energy है जो कभी नहीं खत्म हो सकते हैं, जिसको हम renew use कर सकते हैं, दोबारा use कर सकते हैं. तो देखें वो कौन कौन सी है. First, unconventional source of energy, solar energy. The energy from the sun can be used directly such as heat and light or indirectly by using solar cell. Sunlight contains heat energy. Based on this, we have devices like solar water heater, solar cooker. The boiling wind, the water cycle are all due to the solar energy. Plants survive due to the solar energy. Solar cell, solar cooker, solar furnace all work because of the sun energy. ये सारी एनर्जी जितनी भी एनर्जी यहाँ हमें मिल रही है वो सारी एनर्जी सोलर एनर्जी है, और सोलर एनर्जी की कोई लिमिट नहीं होती. हम जब तक चाहें सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं. एनर्जी फ्रॉम वाटर, ये भी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है. वाटर इज़ एन अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज स्टोर्ड एट ए हाइट गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन वाटर फ्लो. द इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जब भी वाटर हाई लेवल से नीचे की तरफ आता है तो वो टर्बाइन के ब्लेड को घुमाता होगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है. इस तरीके की एनर्जी जो वाटर से मिल रही होती है उस तरीके की एनर्जी को क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है वहाँ पर, और वो हाइड्रो एनर्जी कहलाती है. एनर्जी फ्रॉम द विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इट्स पजेस काइनेटिक एनर्जी. विंड एनर्जी इज यूज टू सोइल सेल बोट्स. इट इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, पंपिंग वाटर. विंड एनर्जी इज यूज टू गाइड पैराशूट एंड ग्लाइडर. विंड मिल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी यूज फॉर स्मॉल स्केल कमर्शियल पर्पज. अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये अलग अलग एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया है वो विंड एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल होते हैं. एनर्जी फ्रॉम बायोमास, बायोमास इज अ मिक्सचर ऑफ लीव्स, ड्राइड प्लांट्स, काउ डंग एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट. बायोमास जो होता है वो सूखी हुई पत्तियाँ, खराब या सड़े हुए पेड़, काउ डंग जो गोबर होते हैं, या मरे हुए प्लांट या एनिमल्स होते हैं, उनके वेस्ट से बनता है. बायोमास इज अ कन्वर्टेड इंटू बायोगैस इन ए बायोगैस प्लांट. इट इज़ अ चीप, इजली एंड क्लीन फ्यूल्स. जैसे ये डैम बना हुआ है तो इस टैंक बना हुआ है, इसमें सारी सड़ी गली चीज़ें डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे गैस निकलती है और वो गैस कलेक्ट कर ली जाती है एज ए बायोगैस प्लांट, बायोगैस के फॉर्म में उसको हम एज ए एनर्जी यूज कर सकते हैं. ये सेफ है एंड क्लीन है, इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है. एनर्जी फ्रॉम वेव, वेव्स डिस्प्लेस लार्ज मास ऑफ वाटर रेपिडली. वेव्स पजेस काइनेटिक एनर्जी. इट इज ए प्रॉपर मेथड ऑफ द हार्नेसिंग एनर्जी ऑफ वेव इन अवेलेबल. वी कैन गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेव्स. वी कैन क्लासीफाई एनर्जी सोर्स एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब सारे एनर्जी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गए, सोलर, विंड, जियोथर्मल एंड वाटर. ये सारी एनर्जी हम दोबारा मिल सकती है हमें, या इनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, इसलिए ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं. ऐसी एनर्जी जो एक बार यूज़ करने पर दोबारा इजली नहीं मिल सके या जल्दी ना मिल सके, जिनको फिर से मिलने के लिए करोड़ों साल लग जाए, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं. जिससे पेट्रोलियम, केरोसिन, कोल, नेचुरल गैस, ये दोबारा हम जल्दी नहीं पा सकते. ये बनती हजारों करोड़ों साल में है तो वो पॉसिबल नहीं है हमारी जनरेशन के लिए. एनर्जी चेन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड एनर्जी चेन. मीन्स एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होते हुए वापस अपनी उसी कंडीशन में लौट आना ही एनर्जी चेन कहलाता है. जैसे इस फिगर में देखिएगा, एनर्जी प्लांट ने ली, प्लांट से कोई सब्सटेंस मिला, सब्सटेंस को हमने फिर बर्न किया, बर्न करने पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली, उसका यूज़ हमने किया, हमको एनर्जी मिली, वापस वेस्ट होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी. ओके, द फर्स्ट फ्लो चार्ट शो दैट द सन एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए ग्रीन प्लांट.
After decaying, these plants get converted into coal, which take a long period of time. In thermal power station, coal is burned to produce heat energy and then electric energy. This electric energy is used in a fan. जैसे कि फिगर में देखा गया था कि सन से जो एनर्जी मिली वो प्लांट को मिली, बहुत साल के बाद प्लांट कोल में बदल जाता है, उस कोल का यूज हम फर्नेस में करते हैं, पावर प्लांट में करते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी से हम फैन का यूज ऑन करते हैं या फैन में सप्लाई देते हैं. सेविंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी को सेव कैसे कैसे किया जा सकता है. यूज अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्स व्हेनेवर पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा ऐसे एनर्जी का सोर्स का यूज किया जा सकता है, किया जाना चाहिए जो खत्म नहीं हो सकते हो या जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो. यूज सोलर कुकर टू सेव कुकिंग गैस, सोलर कुकर का यूज करना चाहिए क्योंकि सन ऑफ लाइट जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई लॉस नहीं होता, कभी खत्म नहीं होने वाली चीज़ है. यूज सोलर वाटर हीटर, सोलर एनर्जी का यूज इसमें भी करना पड़ेगा. स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट आर नॉट बीइंग यूज्ड, फैन लाइट एक्सेट्रा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने घरों के उन डिवाइस को ऑफ कर देना चाहिए जिनका यूज हम नहीं कर रहे हैं. हम अक्सर क्या करते हैं, फैन चलता हुआ रूम छोड़ के चले जाते हैं, टीवी चलती हुई छोड़ के चले जाते हैं. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए या उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए. यूज इफिशियंट डिवाइस CFL एंड LEDs, बेटर रेफ्रिजरेटर. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर आर स्टार रेटेड बाई द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी. हमें ऐसे अप्लायंस का यूज करना चाहिए जो कम एनर्जी का यूज करते हैं. ऐसे ही हमें रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन AC जो लगे होते हैं वो इस तरीके के यूज करने चाहिए जो कम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, वो स्टार रेटिंग आती है उस पर लिखी हुई. Use AC heater only when required. AC का use तभी होना चाहिए जबकि बहुत ज़रूरत हो. Use a car pool to school or work. हमेशा separate use के लिए car का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि किसी न किसी के साथ share कर लिया जाए तो better है, तो कम fuel का use होगा. Use electric heater or kettle or microwave instead of the using LPG. इलेक्ट्रिक हीटर कैटल का यूज, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर लेना चाहिए इन कंपेयर टू LPG का यूज़ करने पे. अनप्लग चार्जेस नॉट इन टू यूज़, अगर से हम कोई चीज़ चार्ज नहीं कर रहे हैं तो चार्ज प्लग को निकाल देना चाहिए. बाय लोकल ग्रो फूड, रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट्स. यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेन एवर पॉसिबल, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि फ्यूल का यूज़ कम से कम हो. इस तरीके से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं या ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. वर्क एनर्जी रिलेशनशिप, इफ़ ए बॉडी डज नॉट हैव एनर्जी इट कैन नॉट वर्क. व्हेन वर्क इज डन बाय ए बॉडी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप. वर्क ऑफ एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल. अगर से कोई बॉडी कोई वर्क नहीं कर रही है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर से बॉडी ने कोई वर्क किया है तो उसकी एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा. वर्क आउट, ए स्टोन लाइंग ऑन ए ग्राउंड हैज नो एनर्जी, बाय डूइंग वर्क ऑन इट वी कैन लिफ्ट इट ऑन हाइट, इट नाउ हैज पोटेंशियल एनर्जी सिंस वर्क डन ऑन स्टोन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी. अगर से कोई स्टोन ग्राउंड पर है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी, बट अगर हम ग्राउंड से उठाकर उसको ऊपर रख दें तो हमें कोई वर्क करना होगा, वो वर्क उसमें स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन द स्टोन फॉल टू द ग्राउंड, हेंस इट कैन डू वर्क व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड. ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये आपके एक्सरसाइज में आएगा. जब कोई बॉडी स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड स्टोन डू सम वर्क. वर्कड आउट एग्जाम्पल, अ डॉग एंड हॉर्स आर मूविंग एट द सेम स्पीड विच हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. ऑब्वियसली हॉर्स हैज ए मोर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज हॉर्स हैज ए मोस्ट मास. ओके, सो स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और यू कैन राइट इन कमेंट्स बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. लेकिन इस वीडियो को कई बार देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड हो या एक्सरसाइज अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस chapter. Thank you.